हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें। संजय सिंह पर ईडी की रेट पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह के यहां छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं और इनको भाजपा को लग रहा है कि ये हारने वाले हैं, तो ये हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नजर आ रही हैं। केजरीवाल ने कहा, पिछले एक साल से देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाले का शोर किया हुआ है, लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। करीब 1000 से अधिक छापे मारे गए और कहीं से कोई भी रिकवरी नहीं हुई। कभी बोलते हैं कि क्लासरूम घोटाला हुआ, बसों की खरीद में घोटाला हुआ, इन्होंने हर चीज में जांच करा ली। अब संजय सिंह के यहाँ भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने न्यूज क्लिक पर छापों का जिक्र करते हुए कहा कि कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी चुनाव तक देखो, शायद आपके ऊपर भी हो जाए। केजरीवाल ने इस दौरान शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए आप नेता मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया के साथ सारे देश की जनता है, पेरेंट्स की और बच्चों की दुआएं उनके साथ है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, पिछले 15 महीने से इस तथाकथित शराब घोटाले में सीबीआई ईडी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां न साबित कर पाई है और न ही कोई सबूत दे पाई है। ये दिखाता है कि भाजपा को आपसे डर लगता है और पीएम मोदी को पता है कि वे लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बीच दिल्ली बीजेपी ने राजधानी में आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आप तुरंत प्रेस वार्ता करें और आरोपी दिनेश अरोड़ा के दावों का खंडन करें, जिसमें वह कह रहा है कि आपको 32 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा क्यों है कि जिस मनीष सिसोदिया को आप कट्टर ईमानदार कहते हैं, उन्हें 7.5 महीने से जमानत नहीं मिली और जेल में है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।